वाहेगुरु। अज आपां गल करदे हाँ गुरु गोबिंद सिंह जी दा सिख भाई डल्ला। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने जीवन की आखिरी जंग लड़न तो बाद श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो विखे पहुँचे। इत्थे दा चौधरी भाई डल्ला गुरु साहिब जी दा श्रद्धालु सी। उसने गुरु साहिब दी बहुत सेवा की। पेंड दा चौधरी सी, अपनी ताकत दा थोड़ा बहुत अहंकार भी सी। एक वारी दरबार लगन तो बाद गुरु साहिब दी चर्चा चौधरी डल्ले नाल हुई। जो जो गुरु साहिब नाल बीतिया उस बारे भी चर्चा हुई। डल्ले ने कहा कि अगर तुसी मैनू सद लेंदे तां तुहानू आनंदपुर दा किला ना छड्डना पैंदा ते ना ही तुहाडे बच्चे लड़ाई विच शहीद हुंदे अते ना ही सरहंद दे वजीर नू छोटे साहबजादियां नू कतल करन दी हिम्मत पैंदी। मेरे आदमी इहो जे सूरमे हन कि वैरियां नू घोड़े समेत चुक के लै जांदे हन। गुरु साहिब मुस्कुराई ते कहा कोई नहीं, बड़े मौके आउणगे। एक दिन गुरु साहिब नू लक्कड़ दी बंदूक किसी श्रद्धालु ने भेट की। गुरु साहिब ने डल्ले दी फौज दा जायजा लेना कीता। डल्ले नू कहा उस दिन तू आख रहा सी मेरे सुरमे मौत तो नहीं डरदे, असा ने बंदूक दा जायजा लेना है, देखना है कि छाती विच कितना वड्डा जख्म करदी है, निशाना किदा दा है। अपने किसी एक नौजवान नू सद्दो। बड़ी देर इंतजार करने तो बाद कोई भी नौजवान ना आया। गुरु साहिब ने कहा हुण तू ही खड़ा हो जा। डल्ले दा भी चलती गोली दे सामने खड़े होण दा हट ना पिया। गुरु साहिब ने सिखा नू सुनेहा भेजिया, वीर सिंह अते धीर सिंह प्यो पुत्र आपस विच बहस करदे आ रहे सन। पुत्र ने गुरु साहिब नू कहा कि इन्हां नू जंग दा बड़ा तजर्बा है, किसी औखे वेले तुहाडे काम आउणगे, गोली मेरे सीने विच मारो। पिता कह रहा सी इह जवान है फिर काम आवेगा, मेरी उम्र बीत चुकी है, मेरे सीने विच गोली मारो। गुरु साहिब ने कहा कि तुसी दोने ही खड़े हो जाओ। गुरु साहिब बैरल कदी इधर कर देंदे कदी उधर, दोने प्यो पुत्र निशाने अगे आने लिए अगे पिछे हुंदे रहिंदे। ये सारा कौतिक देख के भाई डल्ला बहुत हैरान हो गया। गुरु साहिब जी कहन लगे कि भाई डल्लिया जंग विच जित मौत नू मखौल करन वाले सूरमियां नाल हुंदी है, तेरे सैनिक वर्गियां नाल नहीं, जो मौत नू वेख के घबरा जान। ये सुन के भाई डल्ले दा सारा हंकार लथ गया ते उसने गुरु साहिब जी कोलों अपने हंकार लई माफ़ी मंगी अते अमृत पान करके गुरु दा सिंह बन गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।